इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हिंसक झड़प हुई। भवानीपुर इलाके में टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है और इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। टीएमसी के विरोध की वजह से बीजेपी को सभा तक रद्द करनी पड़ी है। बीजेपी के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भी टीएमसी वालों ने निशाना बनाया और टीएमसी समर्थकों से घिरे घोष को निकालने के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड को पिस्टल तक निकालनी पड़ी। घोष पर हमले की खबर सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने उनके साथ झड़प की। आपको बता दें कि नंदीग्राम में हार के बाद सीएम ममता बनर्जी अपने गढ़ भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिबरेवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस हंगामे के बीच एक और हैरतअंगेज तस्वीर सामने आई। बीजेपी नेता दिलीप घोष को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उन पर हमला करने की कोशिश की गई, तभी उनके सुरक्षाकर्मी ने बचाने के लिए पिस्टल निकाली। काफी देर तक ऐसा नजारा दिखा। काफी जद्दोजहद के बाद सुरक्षाकर्मी दिलीप घोष को गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच से बाहर निकाल पाए। बीजेपी और टीएमसी के बीच ये झड़प काफी देर तक चलती रही और इस झड़प में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हो गए। भवानीपुर इलाके में जिस वक्त ये झड़प हुई, हमारे संवाददाता कुमार सोनू वहां मौजूद थे। सीएम ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में हुई हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ टीएमसी के वर्कर हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आप देखें, अभी कुछ देर पहले दोनों ही पक्षों में झड़प हुई है जिसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर बीजेपी की एक छोटी सी सभा चल रही है जिसमें कई नेता शामिल हो रखे हैं और यहाँ पर मंच पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें चोटें आई हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये दो शख्स जो मंच पर बैठे हैं इन्हें चोटें आई हैं इस हिंसक झड़प में। आप देखें दोनों के सिर से खून बह रहा है, चोटें लगी हुई हैं और ये कलकत्ता का वो उपचुनाव है जिससे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है। भवानीपुर सीट का ये चुनाव है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा जो है अभी भी इस चुनाव में देखने को मिल रही है। ये देखिए तमाम टीएमसी के वर्कर हैं जो यहाँ पर बीजेपी की सभा के पास पहुंचे हैं और हंगामा कर रहे हैं। मैम 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 आखिरी दिन भी इस तरह से हिंसा हो रही है, हिंसा करके हम लोग को रोकने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए आखिरी दिन भी यहाँ पर हिंसा हो रही है और तमाम बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। ये तस्वीरें आप देखें, अब यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है। इससे पहले हुई सभा में जिसमें बीजेपी नेता दिलीप घोष भी मौजूद थे, उस सभा में बीजेपी वर्कर्स पर अटैक हुआ था जिनमें जो है इस अटैक में कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है लेकिन आज भी खून खराबा और मारपीट जारी है। कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट। प्रचार का आज आखिरी दिन है और आप देखें कि यहां पर बीजेपी की सभा चल रही है। इससे पहले जो सभा चल रही थी वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हुई जिसके चलते कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी के दादा, ये हिंसा हुई आखिरी दिन प्रचार में। देखिए बंगाल का ममता बनर्जी का चुनाव हिंसात्मक ही चुनाव है क्योंकि हिंसा को खुद प्रश्रय देती है, इसलिए ये चुनाव हिंसा का ही चुनाव है। और कुछ लोगों को यहाँ पर चोटें भी आई हैं, मंच पर हैं एक शख्स, इनसे हम बात करें। दादा इनको बोले कैसे चोट लगी है?
टीएमसी के आदमी लोग मिलकर मारा है मेरे को। मैं दिलीप दा का साथ प्रचार करने निकला था, दिलीप दा को मारा। दिलीप दा को मारने के बाद साथ में हमको खींच के सारा आदमी मिलकर मार के मेरे को अवस्था खराब कर दिया। एक गुंडा राज है। मेरा गलती खाली यही है जो हम बीजेपी करते हैं और बीजेपी का प्रचार में निकले थे, इसीलिए मेरा यह दशा हुआ है। देख लीजिए आप लोग, मेरा कोई गलती नहीं है। दादा को भी मारा है, हमको भी मारा है और मेरा अवस्था ये है, देख लीजिए आज। तो बिल्कुल आप देखिए चोटें कितनी गंभीर लगी हैं और इनका कहना है कि जो टीएमसी के वर्कर हैं उन्होंने इन पर अटैक किया। दिलीप घोष की सभा में ये पूरा अटैक हुआ है, फिलहाल उसमें कई लोगों को चोटें आई हैं और चुनाव का आज आखिरी प्रचार का दिन है। लेकिन बावजूद इसके इस उपचुनाव में भी कलकत्ता में हिंसा देखने को मिल रही है। टीएमसी समर्थकों से झड़प में घायल बीजेपी कार्यकर्ता से कुमार सोनू ने बात की तो उसने बताया कि उन पर हमला टीएमसी के गुंडों ने किया और हमलावरों में 150 लोग शामिल थे। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव है भवानीपुर सीट का और आज आखिरी दिन है प्रचार का, लेकिन आखिरी दिन प्रचार के दिन भी हिंसा हुई है। हमारे साथ एक कार्यकर्ता है बीजेपी के, क्या नाम है आपका? मुकुंजा, दक्षिण गोड़ा जिला सभापति। क्या हुआ आपके साथ? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माने दिलीप घोष पे पीछे वाला गली पे अटैक हुआ। अटैक होने के बाद वहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे तो 150 से ज्यादा गुंडा लोग खड़ा था, टीएमसी का गुंडा लोग खड़ा था। वो गुंडा लोग पूरा घेर करके पहले धक्का मारते मारते दौड़ाया है। दौड़ाने के बाद यहाँ पे 150 गुंडा लोग एक साथ मिलकर के अटैक किया है। आंख से लेकर के हाथ से लेकर के आप लोग को इधर भी खून कहीं कहीं दिख रहा है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सीएम ममता पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम के इलाके में खून खराबा पूरे बंगाल की कहानी बयां कर रहा है। अर्जुन सिंह जिस वक्त हमारे संवाददाता कुमार सोनू से बात कर रहे थे उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूसरी जगह पर भी टीएमसी समर्थकों के हमले की खबर दी। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से अटैक हुआ आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बावजूद भी हिंसा हो रही है। देखिए, ममता बनर्जी का खुद का चुनाव जगह हो रहा है, उस तरह से वायलेंस हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रही हैं कि क्या हो सकता है बंगाल में? बंगाल का हालत यही है कि यहाँ चुनाव नहीं, यहाँ सिर्फ वायलेंस हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ममता दीदी इस तरीके से जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं उसके बावजूद भी जो है चुनाव जीतेंगे? अब चुनाव जीतेंगी जो पब्लिक मालूम है, लेकिन इस तरह से घटना करना नहीं। पीछे में टीएमसी का आदमी है। तो बिल्कुल आप देखें तो ये बीजेपी नेता अर्जुन सिंह हैं जो कि आप देखें, ये देखें फिर दोबारा से यहाँ पर हंगामा होने की स्थिति बन रही है क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के जो वर्कर हैं वो अब आमने सामने हो गए हैं और लगातार विरोध हो रहा है। ये देखिए, ये टीएमसी और बीजेपी के वर्कर हैं जो लगातार विरोध झेल रहे हैं एक दूसरे का और अभी हिंसा हुई है। इससे जस्ट पहले जो है यहाँ पे आप देखें अभी भी हिंसा हुई, इससे पहले जो हिंसा हुई थी बैठक में उसमें बीजेपी के वर्कर्स को चोटें आई थी जिसमें आरोप लगा था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे बैठक में हमला किया। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है और बीजेपी के नेता मजबूर होकर जो अपनी बैठक कर रहे थे उस बैठक को रद्द करके वापस जा रहे हैं। अर्जुन सिंह के पहुंचते ही टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। भवानीपुर उपचुनाव में चुनावी हिंसा के ग्राउंड जीरो से कुमार सोनू की एक और रिपोर्ट। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का यहां पर विरोध हो रहा है। आप देखें बीजेपी के नेता हैं अर्जुन और ये पीछे तमाम लोग जो हैं टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के एक बैठक में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को विरोध झेलना पड़ा जिसके चलते दोनों पक्षों में जो है झड़प हुई और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई। लेकिन बावजूद इसके अब यहाँ पर प्रियंका टिबरेवाल जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं ममता दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में हैं, वो उनकी यहाँ पर जनसभा थी और उस दौरान आप देखें कि ये तमाम जो लोग हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके चलते बीजेपी के नेताओं को सभा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। भवानीपुर में हुई हिंसक झड़प के बाद बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिबरेवाल ने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया। प्रियंका ने कहा कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है इसलिए वो ऐसे काम कर रही हैं। टिबरेवाल ने कहा कि ममता को अपनी जीत का भरोसा है तो खून क्यों बहा रही हैं। प्रियंका टिबरेवाल हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार का मैम आखिरी दिन घोष बाबू की जो है सभा में इस तरह से अटैक हुआ, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं,
किस तरह से देखते हैं कलकत्ता में भवानीपुर का ये चुनाव? देखिए, ममता बनर्जी सबसे बड़ा यहाँ पर संतरास का नाम है पश्चिम बंगाल में। जितनी भी हिंसा होती है सबके पीछे उनका हाथ है, क्योंकि उनके ही लोग करते हैं और वो खामोश बैठी रहती है मुख्यमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि सत्ता का लालच है। और इस बार तो कुर्सी की बात है, कुर्सी पे दाव लगा हुआ है, तो इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है कि कुर्सी नहीं जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि इस लड़की को तो कोई जानता ही नहीं है, बच्ची है, बच्ची है तो क्यों खून गिरा रहे हो लोगों का? अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बंगाल की लड़की है ममता बनर्जी, कालीघाट की लड़की है ममता बनर्जी, क्यों मार रहे हो लोगों को? उनका अधिकार है आके वोट देने का, आपको एकदम जवाब मिल जाएगा ना वोट पर कि आपको कौन कितना क्या मानता है। ममता दीदी आजकल चुनाव के दौरान मंदिर और गुरुद्वारे भी बहुत जा रही हैं, नाटक कर रही हैं मीडिया और कैमरा को देख के, वरना उनने शुरुआत तो मस्जिद से की थी, मस्जिद छोड़ करके वो कुछ पहचानती नहीं है। अब चुनाव का समय आया तो मंदिर और गुरुद्वारे याद आ गए। एक और बात, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बहुत सारे लोगों से भी हमने बात की, कुछ एक का ये भी कहना था कि ये जीत की लड़ाई नहीं है, ममता दीदी के मार्जिन की लड़ाई। मैं कह रही हूँ कि ये मेरे MLA होने की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेने की लड़ाई है। और भवानीपुर में TMC की गुंडागर्दी के बाद विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि भवानीपुर में हालात बेहद नाजुक हैं, यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का माहौल नहीं है। बार बार शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, TMC के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे। सिचुएशन बहुत नाजुक है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन? हमारी पार्टी की टीम तो दिल्ली में भी मुलाकात की, अरुण सिंह जी, ओम पाठक जी, यहाँ भी हमारी डेलीगेशन जो है वो बार बार मुलाकात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो उसका कार्रवाई करना चाहिए था अब तक नहीं किया। कैंपेनिंग लास्ट दिन कैंपेनिंग लगता नहीं है, बाधा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं? पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिर दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और दोपहर 3:30 बजे देखिए किसानों के भारत बंद की ऑल इंडिया रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।